रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देश लगातार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से एक जेल पर हमला किया गया जिसमें दर्जनों यूक्रेनी युद्ध बंदियों की मौत हो गई। ये जेल उस इलाके में है जहां रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का नियंत्रण है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने से हतोत्साहित करने के लिए ये हमला किया गया। उधर यूक्रेन ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो यूक्रेन के पूर्वी दोनेस्क प्रांत में जेल परिसर पर हुए हमले को लेकर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सामूहिक हत्याकांड के लिए राजनीतिक बयानबाजी के स्तर पर निंदा ही काफी नहीं है। अलगाववादी अथॉरिटीज और रूसी अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को हुए हमले में यूक्रेन के 53 युद्ध बंदियों की मौत हो गई और 75 अन्य घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने ओलेनिवका की जेल को निशाना बनाने के लिए अमेरिका से आए सटीक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस पर यूक्रेन के लोगों की कथित यातना को छुपाने के लिए जेल में गोलाबारी करने का आरोप लगाया। इस बीच रूस ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस के एक्सपर्ट्स को इस बात के लिए इनवाइट किया कि वो यूक्रेनी युद्ध बंदियों की मौतों की जांच करें। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच सच सामने आने का इंतजार है।